आज अधिकारियों ने कहा कि हम ये चीज़ कर देंगे, हम ये लोन उपलब्ध करा देंगे, हम ये शौचालय बना देंगे। एक दिव्यांग ने कहा कि हमारे को शौचालय की ज़रूरत है, अगर वो बन जाता है। मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि जो काम नहीं हो सकता उसको सीधे सबके सामने हाथ जोड़ के बोल देना चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों अपने विधानसभा अंबिकापुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सिंहदेव ने ग्राम पंचायत सपना और लखनपुर क्षेत्र के ग्राम सिरकोतगा पहुंचे लोगों से रूबरू हुए। ग्रामीणों से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सिंहदेव ने जानकारी ली। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सामने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया और शिकायतों की झंडी लगा दी। हालांकि कुछ मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तत्काल फैसला लेते हुए निराकरण करने के आदेश दिए। उनकी समस्याओं की जानकारी लेना, काम कितने हुए हैं वो लोगों को बताना और आगे क्या हो सकता है उसके लिए पहल करना, मोटा मोटी यही उम्मीद से आते हैं। सबसे जरूरी लोगों के बीच में आके मिलना जुलना। बाकी बहुत डिमांड आती है विकास कार्यों की, सड़कों की, सीसी रोड की, ये बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। वो हो पाना भी संभव नहीं है, इतना ज़्यादा मांग आता है कि वो एक साल में उतना हो पाना भी संभव नहीं है। उनमें से जितना हो सके, एक दो मांग, 10-10, 15-15 एक गांव में सीसी रोड की एक साथ आ जाती है, उतनी राशि रहती नहीं है एक साथ मंजूर करने की। कहीं घर की बात आए, कहीं प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग खराब है उसकी बात आए, कहीं नहर में पुलिया है उसके दिक्कत की बात आए, नहर में पानी नहीं आ पा रहा है उसके संदर्भ में बात आए, कहीं बिजली के खंभे हैं तो स्ट्रीट लाइट नहीं है उसकी बात आई, कहीं पर स्ट्रीट लाइट अभी नहीं लगा है, बिजली के खंभे नहीं लगे हैं उसके संदर्भ में बात आई, मृत्यु के समय शमशान घाट में शेड के संदर्भ में भी बात आई। तो अलग अलग गांव में अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग समस्या सामने आती है। अगर जो आज भी बात आई ये कल के दिन इसमें निराकरण हो जाता है तो फिर संतोष लगेगा। आज अधिकारियों ने कहा कि हम ये चीज़ कर देंगे, हम ये लोन उपलब्ध करा देंगे, हम ये शौचालय बना देंगे। एक दिव्यांग ने कहा कि हमारे को शौचालय की ज़रूरत है, अगर वो बन जाता है। मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि जो काम नहीं हो सकता उसको सीधे सबके सामने हाथ जोड़ के बोल देना चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा, हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ये कारण है नहीं हो पाएगा। अगर आपने बोला कि ये हो जाएगा तो फिर होना, वो काम हो जाना, नहीं होगा तो उस हद तक असंतोष, और हो गया तो संतोष का विषय रहेगा। हालांकि सिंहदेव के इस जन चौपाल कार्यक्रम के तहत कई लोगों को राहत भी मिली, जिससे कुछ लोग खुश नजर आए। सिंहदेव ने एक विकलांग को शौचालय की व्यवस्था करने के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं पैसे की कमी के कारण एनीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहे बच्चे के इलाज के लिए परिवार के सदस्यों को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2,11,000 रुपए की राशि मुहैया करवाई। फर्स्ट बार मैंने तबीयत खराब हुआ, अंबिकापुर लेके गया होली क्रॉस हॉस्पिटल में, वहाँ से डॉक्टर रिफ़र कर दिया रायपुर के लिए, रायपुर लेके गया, वहाँ इलाज हुआ मेरे लड़का का। इलाज होने के बाद आयुष्मान से बोले कि नहीं होगा इलाज, फिर बोले कि 2,11,530 रुपये का लगेगा आपको पैसा। मैं बोला मेरे पास, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। वहाँ से फिर दिए मेरे को एक फार्म ले जाके मैं जमा किया है वहाँ मुख्यमंत्री निवास में, वहाँ 4 तारीख को जमा किया था, अभी तक नहीं कुछ हुआ। वहाँ से फिर मैं बाबा के पास हो किया, तो कल अदी बाबा आए थे गुमगरा में, वहाँ जाके बोले तो आज बोले कि यहाँ आ जाना, मेरा लड़का का बीमारी निकला है एमोनिया। बाबा अभी घोषणा कर दिए कि मैंने आपका लड़का का तबीयत ठीक हो जाएगा, मैं पैसा करवा दिया हूँ, जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लूँ। कितना पैसा का करवाया है? 2,11,530 रुपये का। तबीयत तो डॉक्टर बोला है ठीक हो जाएगा। तो सहूलियत कितना हुआ? बहुत ज़्यादा सहूलियत हुआ मेरे पास, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं था। पैसे के कारण मैं लड़का को मैं घर ले आया था, आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा रहता तो आज तक मैं ट्रीटमेंट करा लिया होता। टीएस बाबा के द्वारा से मिला है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, अभी 20 दिन हो गया, 3 महीने से घूम रहा हूँ।
बहरहाल लंबे समय तक सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर से दूर रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी काफी आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि इस दौरान तत्काल कुछ ऐसे भी फैसले हुए जिससे कुछ ग्रामीणों की बड़ी परेशानियां दूर हुई। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीणों के बीच अंबिकापुर विधायक टीएमसी सिंहदेव का तालमेल बना पाते हैं या ग्रामीणों में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर यूं ही नाराजगी बनी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबिकापुर से जयप्रकाश शिक्का की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।